क्योंकि ये शो जो मैंने पहले भी कहा था, टेलीविज़न लैंडस्केप में इस तरह का शो फ़िलहाल तो नहीं है, और मुझे लगता है कि जिस तरह के शोज़ की ज़रूरत है टीवी को आज के दौर में, कि पूरा परिवार बैठ करके एक साथ जो शो देख पाए वो ये शो है, तो मुझे लगता है कि टेलीविज़न लैंडस्केप के लिए इस शो की बहुत अहमियत है, इस शो की बहुत ज़रूरत है, और जितनी भक्ति से हम इस शो को बना रहे हैं उतनी भक्ति से अगर लोगों ने आके इस शो को सैम्पल किया तो मुझे लगता है ये शो सबको पसंद आएगा। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि शो की स्क्रिप्ट लिखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है स्क्रिप्ट लिखने के टाइम पर? देखिए, स्क्रिप्टिंग पे ऑब्वियसली ध्यान देना पड़ता है, डिपेंड करता है कि जोनर क्या है आपका, किसके लिए लिख रहे हैं। तो जब आप राम के लिए लिख रहे हैं तो आदर्श मर्यादा देखना पड़ता है, गरिमा में डूबना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम लोग आम आदमी, तो अपनी कमियों से उभर कर उस चीज़ को फील कर पाना 1% भी कि श्री राम ने क्या सोचा होगा, मेहनत लगती है। सर, मेरा सवाल आपसे, जब पहले रामायण आता था तो लोग घर में भीड़ लग जाता था, कई लोग गाँव से आते थे, एक ही घर में टीवी रहता था, लोग देखा करते थे, क्या अभी वो हो सकता है? अभी रामायण आएगा तो अभी लोग देख सकते हैं इतना जनसंख्या? अभी किसी के घर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो मोबाइल है, कहीं भी जाके जो भक्ति से देख पाएगा वहीं देखेगा। और यही जैसे इन्होंने कहा कि एक आदत लग जाती है, एक ऐसी स्टोरी जो सबको पता है लेकिन आज की जनरेशन को एक नए दौर से हम दिखाना चाहते हैं, वो हमारी कोशिश है। हाँ, और यही है कि जितनी भक्ति से पहले देखते थे अभी भी देखेंगे, बिकॉज माइंड सेट वही है हमारा, स्टोरी वही है, एंड एक बिलीफ से देखते हैं हम। सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे सेट के द्वारा आपको उस द्वार पर ले जाएं, मतलब उस दौर पर ले जाएं जहां यू नो रियल भक्ति होती थी। तो यही कोशिश रहती है कि हर एक सेट अलग लगे लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट कर दे हम उस एरा में। सिद्धार्थ सर, आपसे सवाल है कि रामायण तो ठीक है, उसके साथ में श्रीमद् क्यों लगाया गया? मुझे लगता है कि रामायण एक ऐसी कहानी है हमारे देश की कि उसके आगे हम जितनी भी चीज़ें लगाएं कम पड़ सकते हैं। और जब आप किसी का मद काटोगे, जैसे शर्मा जी ने एक लाइन लिखी है, लाइन मतलब सोच जो है हमारी, कि काटे मद श्री से मिला दो श्रीमद् रामायण, तो इंसान के मद को काट के अगर आपको भगवान की जर्नी देखनी है तो वो श्रीमद् रामायण पे है, सब श्रीमद् भागवत के। जी, तो जो श्री हाँ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा ये शो को बनाने में कितना बजट लगा है? बहुत बजट लगा है, अच्छा बजट लगा है। अब ये आपको भी पता है कि मैं आपको बता नहीं सकता किसी को, पर आई थिंक जितने बजट की ज़रूरत है इस तरह के शो के लिए, मुझे लगता है इतना इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ मेकिंग में नहीं है, उसके मार्केटिंग में भी है, उसके प्रमोशंस में भी है, तो मुझे लगता है कि बजट से ज़्यादा इस पे हम सबकी सबका फेथ है और सबकी भक्ति लगी हुई है, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ज़रूरी है। बजट तो हर प्रोडक्ट पे लगता है पर विश्वास बजट से बड़ी चीज़ है, और वो हमारा लगा हुआ है इस पे मोर देन द बजट, उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कोई कीमत। नहीं, जब सेड एंड सोनी टीवी जी ने हमको जब सब बताया कि हम क्या करना चाहते हैं, एक वापस वो दौर लाना चाहते हैं, तो हमने बोला कि ये ऑथेंटिक बनाएंगे, इतना ऑथेंटिक बनाएंगे कि अगर वो वहाँ उस ज़माने में वो पत्थर यूज़ किया गया होगा तो हमने इतना रिसर्च किया कि वही पत्थर यूज़ करे, और अगर सोने की लंका बोले तो सोना दिखना चाहिए, उस हिसाब से हमने बहुत डिबेट नहीं किया, बहुत रियल जोन में गए हैं, बी एट द कॉस्ट्यूम, बी एट द लुक एंड फील, जैसे कहानी लिखी जाती है, डायलॉग लिखे जाते हैं, उस सब में ये सेट भी रियल लगना चाहिए, तो हर चीज़ अयोध्या का सेट एक अलग जोन में है, मिथिला एक अलग जोन में है, तो हमने बहुत रिसर्च की है कि अगर मिथिला होएगा तो कहाँ होगा, तो उस दौरान क्या एरा में क्या क्या यूज़ होते थे, लकड़ियाँ यूज़ होता था, पत्थर यूज़ होता था, तो वो सब ऑथेंटिक वे में हमने ये सब सेट बनाया। सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से रामायण मतलब करोड़ों लोग की भावनाएं होती है हमारे देश में, क्या विदेशों में भी, तो आपने क्या
क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है ताकि लोगों को ये ना एहसास हो कि हमारा रामायण नहीं? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसी कहानी है हमारे देश की कि इसे हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहिए, हमें इसे कहना चाहिए कि उसमें हर एक चीज़ जो हम इस कहानी में खुद समझ कर, जितनी हमारी समझ है, जितना हम समझ सकते हैं, जितनी हमारी सोच है, जितनी हमारी कल्पना है, उस हिसाब से हमने हर एक डिपार्टमेंट की कहानी के रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे रिसर्च हमारी पूरी टीम है जो हम लोग हर एक चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं, हर एक चीज़ को समझ रहे हैं और उसे सही तरीके से ऑडियंस के सामने लेके आ रहे हैं। तो इस कहानी में बहुत सारे ऐसी भी छोटी छोटी कहानियाँ हैं जुड़ी हुई जो आज से दर्शकों के सामने आई नहीं है, यू नो, हम वो चीज़ें लेके आ रहे हैं। जिस तरह की सोच हम आज के जनरेशन के सामने इस रामायण के साथ लेके आ रहे हैं, वो एक नयापन है। तो एक ऐसी क्या बोलते हैं, एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए पर्सनली कि हम इस तरह की कहानी कह पा रहे हैं आज के दौर पे और जिस तरीके से हम कह पा रहे हैं। सो आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर यू नो जितने भी लोग इस साथ जुड़े हैं। हम सब साथ में एक ऐसी सोच लेकर आए हैं कि हम अपने दिल से काम करेंगे, हम किसी और को खुश करने के लिए नहीं, हम इस कहानी में जो लिखा है उसे सही तरीके से, बहुत भव्य तरीके से, एक इस तरीके से हम पेश करेंगे कि हर व्यूअर को एक एंटरटेनमेंट मिले और उसके थ्रू वो सीख, वो हमारे कल्चर के कोर एथिक्स, वो अगर हम इसके थ्रू दिखा पाएँ, हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं। सो सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहूँगी कि कास्टिंग जब हो रही थी कि क्या कुछ आपने देखा एक्टर्स में, तो उनकी कास्टिंग किस बेसिस पे थी? कास्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि अगर हम श्री राम का किरदार प्ले कर रहे हैं, माता सीता प्ले कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से आपने कल्पना की है कि आपका राम कैसे हो, आप किस तरीके से राम के अंदर एक ठहराव होना चाहिए, एक वो तो हम कहते हैं कि रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो क्वालिटीज़ इस एक्टर में हो, मैं उस तरह के एक्टर्स खोजता हूँ। तो सुजय और प्राची में भी एक ठहराव है, शी इज़ वेरी स्वीट। हर एक चीज़ों में इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपने जिस तरह से उस किरदार की कल्पना की है और कैसे जो एक्टर्स वो प्ले करना चाहते हैं वो खुद कितने खुशी से और कितने मन से उसको प्ले कर रहे हैं, बिकॉज एक्टर्स कैरेक्टर्स स्क्रीन पर क्रिएट करते हैं, एक्टर्स उसमें लाइफ लेकर आते हैं। तो उन लोगों का ये विश्वास रखना अपने आप में कि हम एकदम दिल से रामायण में जुड़ेंगे, हम राम प्ले करेंगे, हम सीता प्ले करेंगे, ये आसान नहीं होती। सो एक्टर्स की एनर्जी, सब लोग निकेतन की, रावण के लिए, सब लोग जब साथ में एक विश्वास लेके आते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आती हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है और लगता है कि जो भी मेहनत की है हमने, हमारी पूरी टीम ने, एक्चुअली एक्टर तो बहुत छोटा पार्ट होता है, ये वहाँ सिद्धार्थ हैं, हमारे राइटर आए हैं विनोद जी, वो ये यहाँ पर हैं तिवातिया जी, इन लोग की वजह से हम अच्छे लगते हैं और इनका ही इतना सारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और जो हम हार्डवर्क कर रहे हैं। आज आप लोग ने एक छोटी सी झलक देखी, आप लोग को अच्छी लगी, हमें और कॉन्फिडेंस मिला है। अभी भी कुछ दिन है हमारा शो स्टार्ट होने में, हम शूट तो कर ही रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हम जो कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू गार्नर द राइट रिएक्शन, द रिएक्शन वी वांट, हम जैसा सोचते हैं कि हमारी ऑडियंस रिएक्ट करेगी। थैंक यू सो मच, हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि एक ऐसा रावण पेश करें जो आया नहीं है पहले, एक ऐसी कहानी रावण की जो आपने अपनी दादी से नानी से ज़रूर सुनी होगी, 100% सुनी होगी, लेकिन आपने देखी नहीं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हिस्से को भी सामने लाएं और जो हमारी रामायण है वो उसमें किरदार जो है ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे है। जैसे आप महाभारत के बारे में एक डिबेट कर सकते हो कि कौन सही था कौन गलत था, अल्टीमेटली जो गलत है वो गलत ही होगा, लेकिन जो कॉजेज़ होते हैं तो वो एक चीज़ को ह्यूमनाइज करते हैं, तो उसको हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी श्रद्धा भावना रखते हुए, क्योंकि हम सब यही कहते हैं कि रामायण हमारी नहीं है, हम सब की है, हर एक को रामायण कंठस्थ है और सब जानते हैं कि क्या हुआ था। सो उसी भाव को रखते हुए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। जी निकेतन सर, कितना डिफिकल्ट होता है जब आप रावण का किरदार करते हैं, क्योंकि रावण बहुत सहिल थे, बहुत ज़्यादा मतलब गर्म दिमाग के थे, वहीं राम बहुत शांत थे, तो वो उस हिसाब से कैसे कैरेक्टर में डालना कितना मुश्किल होता है? देखिए आप अभी आपको मैं कुछ बोल दूंगा तो आप गुस्सा हो जाओगे, पर आप कब तक गुस्सा रहोगे, उसके बाद कभी तो शांत हो गए ना, तो ऐसे ही रावण भी है, गुस्सा भी होता है, शांत भी होता है, हंसता भी है, नॉर्मल। जब आप सुबह उठते हो अगर आप गुस्सा हो तो आप दिन भर गुस्सा थोड़ी रहोगे, तो ये नॉर्मल इंसान की तरह होता है। अगर आपके यहाँ पे किसी की डेथ हो गई, आप एक दिन रोगे, दो दिन, उसके बाद शांत हो जाओगे ना,
ऐसा ही रावण है, उसके लेयर्स हैं, जैसे हम हैं वैसा ही वो है, और उसी तरह हमने कोशिश की है उसको उनको उसको दिखाने के लिए कि जो भी है वो क्यों है, क्यों से कहानी बदल जाती है, और जो हमारा वो सब ये भाई साहब की बदौलत है, इनका जो क्यों इतना पावरफुल आता है, और जो जिसकी वजह से हम उस चीज़ को बता सकते हैं कि ये गुस्सा हुआ, इसने मारा, क्यों मारा, इसने ये किया, क्यों किया, तो वो चीज़ को हम आपस में भी बात करते हुए चलते हैं, हर बार हर रोज़ हम बैठते हैं उसके बारे में बात करते हैं ताकि सही चीज़ बाहर आए। तो जहाँ तक किरदार निभाने का सवाल है, ऑब्वियसली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत आसान नहीं है किरदार, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि उसको जितनी अच्छे से मैं कर पाऊँ करूँ। मेकअप वगैरह में कितना टाइम लगता था उसमें, अगर आप कर जी इतना टाइम नहीं लगता जितना, जैसे अगर हम नॉर्मल फिल्म के हिसाब से सोचें तो शायद 15-20 मिनट ज़्यादा बस। रामायण की बात करें, कभी और कर लेना, अभी आएगा वो, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। डायलॉग कैसे होंगे, जैसे हमने पहले भी रावण के जो डायलॉग है, पहले जो रामायण बने हैं उसमें सुने, बहुत अच्छे डायलॉग हैं, आप सुनिएगा। इसमें हमने बहुत ज़्यादा रुष्ट हिंदी नहीं रखी है ताकि लोगों को समझ आए, ऐसा ना लगे कि हम हिंदी लिटरेचर का कोई पेपर लिख रहे हैं या यू नो शायरी लिख रहे हैं या पोएम्स लिख रहे हैं। बहुत सिंपल रखा है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हम किस दौर की बात कर रहे हैं, तो उसको पूरा रिस्पेक्ट देते हुए पर सिंप्लीफाइड रखते हुए ताकि बच्चे समझ पाए, 8 साल के 10 साल के 9 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे अगर जो टेलीविज़न देखते हैं अपने माँ बाप के साथ, वो समझ पाए कि क्या हो रहा है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सारी लाइन्स लिखी गई। रावण की जब बात होती है सर जी, तो अरविंद जी की याद आती है, अरविंद त्रिवेदी जी रामायण जी जी बिल्कुल, तो इस बार जब ये रामायण घर पे आने लगेगा तो लोगों के नज़र में कहीं ना कहीं कीर्तन आने लगेगा। सर ये सब मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो बस अपनी मेहनत करूँगा और आगे जो जो राम जी चाहें वही होगा। जब आप बचपन में रामायण देखते जी, तब उस टाइम पर क्या, कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगता? एक्चुअली जब रामायण आई थी तो मैं बहुत छोटा था और उसके बस कुछ ही देर बाद महाभारत की शूट स्टार्ट हो गई थी, तो मेरा ज़्यादा ध्यान महाभारत में था। पर जब रामायण आई थी तो मुझे याद है मैं तारा सिंह जी को मिला था और वो 60 ईयर्स के थे जब उन्होंने हनुमान का किरदार दिया था, और उनको देखकर ऐसे ही लगता था कि सच में बजरंग बली सामने खड़े हैं, तो वो किरदार मेरे दिमाग में यू नो इट गॉट स्टक। सर पंकज जी का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया, क्योंकि अभी उन्होंने भी एक आइकॉनिक किरदार किया है महाभारत में, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो बहुत खुश थे, वो सबसे ज़्यादा खुश इस बात के लिए थे कि ना सिर्फ मैं रावण कर रहा हूँ पर स्वास्थ्य के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि सिद्धार्थ तिवारी जी के साथ यू नो उनका एक जो जो एक उनकी कंपनी का नाम है मार्केट में, और ये जोन जो आप हिस्ट्री कहें या माइथोलॉजी कहें, एक्चुअली है तो हिस्ट्री, पर इस ये जो जोन है ये इस जोन में बहुत कमाल करता है। तो जब आप इतने रिस्पॉन्सिबल मेकर के साथ हो तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आप बस आइए अपना काम कीजिए और जाइए, तो एक्टर के लिए बहुत ईजी हो जाता है जी। डन, थैंक यू गाइज। It is not going to fly away, it is going to stick away. Sick man, kill the mosquito. Rolling? Rolling. When you put a mosquito, when you put a mosquito coil. I don't put. Everyone rolling? Yeah, rolling. Yeah, please start. Namaskar, aap sabhi ko. Aap sabhi ko Jai Shri Ram. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के यूथ ना सिर्फ यूथ, आई थिंक सो मच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड दैट एवरीबडी नीड्स दैट वन रीज़न टू लैच ऑन टू, आप वो एक रे ऑफ होप पे लैच ऑन करना चाहते हैं, एंड मेरे लिए लाइफ में भगवान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सो आई रियली अर्ज एंड होप कि लोग श्रीमद् रामायण देखें, क्योंकि बहुत ब्यूटिफुली इसमें हर चीज़ को दर्शाया गया है, हर चीज़ को दिखाया गया है, एंड अगर आप यूथ की बात करें तो आई एम प्रीटी श्योर द यूथ कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम अ शो लाइक दिस, सो या आप अलग से किरदार निभा रहे हो तो
किरदार निभाने में आपको कितना मजा आ रहा है? मुझे एक्चुअली अपने करियर में बहुत कम रोल हैं, 2-3 रोल हैं जो करने में बहुत मज़ा आया था. उनके बाद अब फाइनली आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आई एम रियली 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 हैप्पी कि मुझे कैकई का रोल मिला है. सुनने में बहुत अजीब लगता है बिकॉज कैकई का जो कैकई की जो छवि है लोगों के दिमाग में वो पिछले जो जिस तरीके से उन्हें दर्शाया गया है उससे बहुत अलग है. बट श्रीमद् रामायण में बहुत अलग तरीके से कैकई को दिखाया गया है. आई एम रियली थैंकफुल एंड रियली हैप्पी कि मैं निभा पा रही हूँ ये किरदार. पहली बार आप सास को मतलब फैमिली ड्रामा करते करते पहुँचे जी पौराणिक सीरियल तक, तो जब पहली बार ऑफर किया आपको ये रोल तो क्या कुछ दिमाग में हाँ कहने से पहले चल रहा था? तो मैं वेरी ऑनेस्टली पहला मेरा रिएक्शन नो ही था क्योंकि मेरी एक साल की बच्ची है और मैं उन्हें छोड़कर फॉरगेट अ डेली सोप ये तो बिल्कुल भी नहीं करने का सोच सकती थी बिकॉज इसमें यू नीड टू पुट इन अ लॉट मोर. बट जब भगवान को कुछ करवाना होता है तो वो कैसे कहाँ से क्या करते हैं अल्टीमेटली वही होता है जो भगवान चाहते हैं. तो भगवान चाहते थे कि मैं ये करूँ और आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने बैठी हूँ. मैं तो इनके साथ महाभारत कर ही चुका हूँ पहले, लेकिन महाभारत के बाद 10 साल महाभारत हो गए मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया. तो उन्होंने जब मुझे कहा कि हम श्रीमद् रामायण बना रहे हैं तो आप आइए मिलिए, तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा उसमें, राम तो मैं कर नहीं सकता. तो बोले नहीं, मुझे लगा शायद रावण क्यों, तो बोले नहीं हम चाहते हैं कि आप दशरथ करें. दशरथ कुछ करने को क्या होगा, मतलब नहीं आप आके मिलिए तो सही. तो मेरा रिएक्शन भी कुछ इन जैसा ही था. तो मैंने कहा ठीक है मैं मिल लेता हूँ. मैं गया और फिर उन्होंने नरेट किया. तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतवर्ष के दो ही महाकाव्य हैं, महाभारत जो मैं कर चुका हूँ और अब रामायण कर रहा हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है. और जब इन्होंने मुझे नरेशन दिया और मुझे बताया कि दशरथ की कहानी हमारे इस शो की जो शुरुआत दशरथ से होती है और दशरथ का जो किरदार है वो दशरथ कैसे बने, पहले उनका क्या नाम था, उस पूरी कहानी, फिर एक वॉर है उस युद्ध के अंदर में कैकेयी और दशरथ दोनों जाते हैं और क्या होता है, वो इतनी सुंदरता से उन्होंने लिखा है और वैसे ही हमने उसे फिल्माया भी है. तो वो मेरे लिए बहुत बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं ये कर रहा हूँ. And I'm very, very excited and looking forward to the show. शिल्पा जी, मतलब आपको जानते हैं, आप एकदम सास बहू सीरियल में एकदम ऐसे सहमी सी, डरी हुई सी, खामोश, मतलब इतनी हमने आपकी सीरियल देखी, आप हमें मतलब आप पे हम दया करते थे वो आपका रोल. आपने सेट पे नहीं देखा इनको अभी? नहीं देखा. और अभी आप एकदम कहते ही के रोल में घुस गई है जी. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक तो एज एन एक्टर आपको कितना चैलेंजिंग लगा, दूसरा ये कि आपका एक फैन फॉलोइंग है, वो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से देखा जी? तो मैंने एक्चुअली बहुत सारे ऐसे रोल्स किए हैं जहाँ मैं बहुत सहमी सी, बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी, मेरी तरफ क्यों देख रही हैं आप? बहुत गुड गर्ल हूँ, बट दैट्स टिपिकली अ बहू ऑफ एनी डेली सोप. तो मैंने वैसे बहुत शोज किए हैं, बट मैंने एक सबैटिकल लिया था 5 साल का. उसके बाद जब मैंने अपना कमबैक किया था तो मैंने जानबूझ के एक नेगेटिव शो के साथ एक कमबैक किया था, क्योंकि मैं खुद के लिए वो बैरियर ब्रेक करना चाहती थी. तो जो आप कह रही हैं मुझे वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, एंड आई पर्सनली थिंक इट्स अ लॉट मोर फन टू प्ले अ नेगेटिव कैरेक्टर एज अपोज टू अ पॉजिटिव कैरेक्टर. मज़ा ज़्यादा आता है. लेकिन श्रीमद् नारायण में रामायण में श्रीमद् रामायण में कैकई का कैरेक्टर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है. इनफैक्ट इट्स एवरी कैरेक्टर इज़ वेरी ह्यूमन, वेरी रियल. वो एक पत्नी भी हैं, वो एक पार्टनर भी हैं, वो एक माँ भी हैं, वो एक मित्र भी हैं टू द स्टेप वाइव्स. शी इज़ एवरी थिंग एंड शी इज़ वेरी हैप्पी एंड शी इज़ वेरी कूल. आई एम इन लव विद कैकई. दशरथ की भी मित्र हैं. वो दशरथ की भी मित्र हैं. सो आई थिंक या मतलब परसेप्शन जो भी हो, बट प्ले करते करते आई थिंक कैकई इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट कैरेक्टर्स दैट आई नो, लिटरली कूल. सवाल
सवाल समाप्त. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. उठ जाए, चल, थैंक यू सो मच. थैंक यू. फोन नीचे रख दिया था. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू शो. आपका जो कैरेक्टर है हनुमान जी का, एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा हुआ कैरेक्टर है, तो आप किस तरीके से खुद को प्रिपेयर किए हैं इस कैरेक्टर को फैंस तक पहुंचाने के लिए? सबसे पहले तो सबको जय श्री राम. ये करैक्टर मैंने काफ़ी बार किया हुआ है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सोनी टीवी का और सिद्धार्थ सर का, जो जिन्होंने मेरे को रामायण जैसे इतने बड़े शो के अंदर हनुमान जी की भूमिका निभाने का मौका मिला है मेरे को. और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने आँखों से सारी चीज़ें, आँखों के माध्यम से आप लोगों को अपने जो फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही हैं वो एक्सप्रेस कर पाऊँ, बता पाऊँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर प्रोस्थेटिक लगा रहता है, तो मेरी आँखों से आपको पता चले कि मैं हंस रहा हूँ, कि मैं रो रहा हूँ, कि मैं गुस्से में हूँ. ये सारी भावनाएं जो हैं मैं आपको अपनी आँखों से बयां कर पाऊँ, इसकी मैं बार बार कोशिश करता हूँ और अच्छे तरीके से मैं इस करेक्टर को निभा पाऊँ और डीपली सबसे पहले खुद फील कर पाऊँ और फिर ही मैं आपको ज़्यादा फील करा पाऊँगा. अगर मैं खुद हनुमान जी जैसा नहीं दिखूँगा, उनकी हल्की सी भी छवि खुद के अंदर महसूस नहीं करूँगा, तो मैं फिर आप लोगों को कैसे इस करेक्टर के करीब लेके जा पाऊँगा. तो कोशिश यही करता हूँ मैं खुद पहले अपने आप को स्वच्छ करूं, फिर मैं आप सब लोगों को बता पाऊं. जैसा कि आपने बताया कि मास्क वगैरह पहन के ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है आपको, क्या कुछ बताना चाहेंगे कितने घंटे लगते हैं मेकअप करने के लिए, रेडी होने के लिए? घंटे ऐसे कुछ ज़्यादा लगते नहीं हैं, क्योंकि जब आप हनुमान जी का करेक्टर कर रहे होते हैं आपके अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है और जो भी दिक्कतें होती हैं, हाँ थोड़ी बहुत दर्दें होती हैं शुरुआत में जब आप प्रोस्थेटिक पहनते हैं, आपकी पूंछ लगती है और हार्डनेस के जब आपके शॉट आते हैं, आपके गदा भी है, मुकुट भी है और आपके जो जो फेस है वो भी स्ट्रेच है पूरा, तो दर्दें होती हैं नो डाउट, लेकिन जय श्री राम जैसे ही बोलते हैं सारी दर्दें निकल जाती हैं. और हनुमान जी का जब मैं लंगोट धारण करता हूँ, उनके कपड़े जब मैं पूरे पहनता हूँ, तो अंदर विचार इतने अच्छे आ रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है कि वो कोई भी दर्द और नेगेटिव चीज़ को आपके आसपास आने ही नहीं देता. तो बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ मैं खुद को कि मेरे को बार बार हनुमान जी का रोल निभाने का मौका मिलता है. आपका नाम निर्भय है जी, और हनुमान जी निर्भय ही जाने जाते थे जी. इस कोइंसिडेंस को आप कैसे देखते हैं? वही कि शायद बचपन से ही हनुमान जी की मेरे पे कृपा है, एक नज़र है, और मैं अपने नानी के साथ भी मंदिर जाता था मंगलवार को और मेरे को बूंदी के लड्डू बहुत पसंद थे, मैं कई बार चोरी करके भी खा लेता था, पंडित जी का ध्यान इधर उधर होता था तो और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेरे को हनुमान जी का कैरेक्टर और सोनी टीवी पे और स्वास्तिक प्रोडक्शन, जिसे माइथो का किंग कहते हैं, इतने बड़े बड़े शो स्वास्तिक प्रोडक्शन ने बनाए हैं, सिद्धार्थ सर ने बनाए हैं, उनके साथ इतना बड़ा शो करने का मौका फिर से मिलेगा, तो बहुत अच्छा मेरे को महसूस हो रहा है. सर, हम घर से दवा नहीं राम जी की दुआ लेके निकलते हैं, आपने पोस्ट किया हुआ है सोशल मीडिया पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस वीडियो के बारे में? वो वीडियो यार मैं तो मोटिवेशन कोई भी चीज़ होती है, मैं अच्छी जो मेरे को फ़ोटो लगती है मैं लिख देता हूँ, लेकिन क्या होता है कि कहते हैं ना कि जब दवा काम ना कर पाए तो दुआ काम करती है, और मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है. मैं मेरे को मतलब कि हॉर्स राइडिंग में कर रहा था, मेरे को सर पे चोट लगी थी, यहाँ से पूरा सर फट गया था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही हनुमान जी ने बचा लिया और आज तक बिल्कुल सही है. मेरे को लेग्स की एक्सरसाइज करने के लिए मना किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ और कभी भी दर्द होता है तो जय श्री राम बोल देता हूँ तो दर्द निकल जाता है, क्योंकि मेरा यहाँ से पूरा सर फटा हुआ है. तो वही है कि जिसके साथ भगवान जी हैं तो उसको डरने की कोई बात है नहीं ऐसा. और ये सब चीज़ें मैंने फील भी करी हैं, पहले मेरे को काफ़ी गुस्सा भी आता था, लेकिन जब से मैं हनुमान जी का करेक्टर करने लगा सबसे हाथ जोड़ता हूँ कि भाई ठीक है मेरी गलती है माफ़ कर दो, अगर वो चीज़ हाथ जोड़ने से सॉर्ट आउट हो रही है तो इसमें हर्ज क्या है यार. और अगर बिल्कुल ही पानी निकल जाए तो वो बात दूसरी है कि फिर तो नहीं होता, लेकिन कोशिश यही है कि आप गुस्से में हो तो मैंने आपको सॉरी बोल के हाथ जोड़ दिए, बात खत्म हो गई. दारा सिंह जी ने
सबसे ज़्यादा बारी हनुमान जी का किरदार पर्दे पे निभाए, बड़े और छोटे पर्दे पे, तो ये इस चीज़ को आप मतलब कुछ सीखा उनसे या कोई चैलेंज लगता है उनकी भूमिका में? हाँ, के लोग उसी को याद करेंगे। बिल्कुल, दारा सिंह जी जो कर गए वो तो लेजेंड है, हम तो मैं तो उनको देख के सीखा हूँ, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर वो इतना सब कुछ कर गए, अगर मैं उनका कुछ परसेंटेज भी कर पाया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, बाकी हनुमान जी पे छोड़ दूँ। अगर हनुमान जी को पसंद आया तो आप लोगों को भी पसंद आ ही जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। डन।